बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं प्यारे वीवर, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, मैं आज आपको दिखा रहा हूँ थोर का दरख्त। ये थोर का पौधा है, थोर का दरख्त है। मेरे बहुत कम दोस्त इसके बारे में जानते हैं कि ये असल में है क्या। दोस्तों, ये जहन्मी पौधा है, जहन्नम का दरख्त है। ये कांटेदार होता है और ये जहन्मियों की खुराक होगा जहन्नम के अंदर। अल्लाह 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 हम सबको जहन्नम के अजाब से बचाए और नेक और अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए कि ताकि मैं और मेरे तमाम वीवर और हमारे अहल वयाल तमाम मुसलमान जन्नत के मेहमान बने और ऐसे काम हों कि हम जन्नती हों। दोस्तों, मैं इसके बारे में बताता चलूं कि जो ऊंट होता है ना, ऊंट को कहा जाता है कि ये रेगिस्तान का जहाज़ है। ठीक है, रेतों में चलने वाला, और रेत को कैसे चीर चीर कर फैलांग कर बाखुशी अच्छी चाल चलते हुए रेत के ऊपर खुश से चलता है। काफ़ी जानवर रेत में नहीं चल सकते, गाड़ियां रेत में नहीं चल सकती, लेकिन जो ऊँट है ना, इसको इसलिए नाम दिया गया है कि ये सहरा रेगिस्तान का ये जहाज़ है। तो ऊंट भी ना, कोई भी चीज़ उसके सामने आए, जड़ी बूटी कांटेदार, वो खा जाता है, रगड़ जाता है। उसका मैदा भी टाइट होता है और उसके अंदर अल्लाह ताला ने कुदरती सलाहियत रखी होती है कि हर चीज़ को वो रगड़ जाता है। लेकिन इस पौधे को ऊंट भी मुंह नहीं लगाता, इस दरख्त को ऊंट मुंह नहीं लगाता, खाना तो दूर की बात। अल्लाह हम सब को बचाए। तो कुरान में आता है कि जहन्मी जब जहन्नम में जाएंगे तो उनके लिए जो खाना दिया जाएगा उन्हें, वो थोर का दरख्त होगा। थोर का यही दरख्त होगा, पौधा होगा। तो वो भूख के मारे, मुसीबतों के मारे, वो इसको खाने के लिए जल्दी जल्दी मुंह में लेंगे, लेकिन ये उनके हलक से नीचे नहीं जाएगा, उनके हलक में ही अटक जाएगा, हलक से नीचे नहीं जाएगा ये। फिर वो पानी मांगेंगे तो उनको पीने के लिए खौलता हुआ पानी दिया जाएगा, और साथ ही जहन्मियों की पीप, जहन्मियों के ज़ख्मों की पीप उनको दी जाएगी पीने के लिए। अज़ीज़ भाइयों, देखिए, हम इनका नाम सुनना गवारा नहीं करते इन चीज़ों का। तो क्यों ना हम अच्छे अच्छे अमाल करें, अपने अल्लाह को राज़ी रखें, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारी सुन्नतों पे अमल करते हुए, तरीक़ों पे अमल करते हुए अच्छी ज़िंदगी बसर करें। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम सब को जन्नतों का मेहमान बनाए। आमीन।